दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर। तो इससे आप 12 वोल्ट की बैटरी इजीली चार्ज कर पाएंगे। और ये जो चार्जर हम बनाएंगे दोस्तों, ये थोड़ा बैटरी को फास्ट चार्ज करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो ट्रांसफार्मर है, ये 3 से 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो इससे आप बैटरी को इजीली जल्दी चार्ज कर पाएंगे। चलिए इसको कैसे बनाना है कंप्लीट डिटेल इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम एक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं लकड़ी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर फिट कर देता हूँ ताकि ये ट्रांसफार्मर अपनी जगह पर रहे और इधर उधर ना हो। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर पहले फिट कर देता हूँ इसमें स्क्रूप्स लगाकर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर कोई भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ऐसे ही दोस्तों आपको इस साइड भी जो स्क्रूप्स हैं वो फिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है, मैंने काफ़ी अच्छे से इसकी जो फिटिंग है वो कर दी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें कौन से डायोड और कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। 2200 माइक्रोफेरेट और 25 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसमें जो डायोड है IN5408, तो 5408 जो डायोड हैं वो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो सिल्वर पट्टी है, ये दोनों आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, तो ये प्लस हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये सिंपली आपको यहाँ पर लगा देना है और यहाँ से इसका जो माइनस वाला जो पॉइंट है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसके जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं पहले, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों अब हमें करना क्या होगा कि ये जो डायोड है सिल्वर पट्टी, दोस्तों आपको आगे की साइड रखना है जो कि कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पर जाएगी। तो चलिए सिल्वर पट्टी हम दोनों आगे कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पहले इसकी शोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। चलिए अब ऊपर की साइड को शोल्डरिंग कर लेता हूँ अच्छे से, ये जो डायोड है। तो दोस्तों अब बारी है इसके कनेक्शंस की, तो वो मैं कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैपेसिटर का जो प्लस वाला जो लेग है, इस पर हम एक प्लस वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस टाइप से। और ऐसा ही अब आपको क्या करना है कि ये जो माइनस वाला लेग है इसके माइनस वाले लेग पर कनेक्ट कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो कैपेसिटर है, हमारे पास काफ़ी जगह है इसलिए मैंने इसको यहीं पर कनेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ इसको चिपका दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने कनेक्शंस कर दिए हैं। अब ऐसे ही हमें क्या करना होगा कि ये वाली जो LED है ये भी हम इसमें लगा देते हैं, ताकि कि हमें ये पता चल सके कि ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक 1K की रेजिस्टेंस आपको लगा देना है LED के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो LED है, इस LED के कनेक्शंस भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस लेग है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका जो प्लस वाला जो लेग है वो हम कैपेसिटर के प्लस वाले लेग पर ही कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये LED लग चुकी है। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें दो मेन वायर भी हमें लगाने होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो वायर हैं वो हम कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये होगा इसके AC वाले वायर। तो मैं इसके जो वायर हैं वो पहले ठीक से यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक इसमें पिन भी लगा देते हैं ताकि ये जो वायर हैं ये निकले नहीं। तो दोस्तों ये वायर लग चुके हैं। अब इसके बैटरी के जो वायर हैं ये भी हम लगा देते हैं। तो माइनस वाला वायर आपको बीच वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है, जैसा कि मैंने कर दिया है। और हमारा जो प्लस वाला वायर है ये आपको डायोड के बीच में कनेक्ट कर देना है।
क्योंकि यहीं से कैपेसिटर का जो प्लस वाला लेग है वो कनेक्ट है। तो दोस्तों ये चार्जर जो है वो बन के एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा ठीक से दिखा दूं तो ये हमारा एसी वाला कनेक्शंस हो गया है और ये हमारे दोस्तों बैटरी के कनेक्शंस हो गए हैं। तो चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है वो पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर ये जो चार्जर है ये बन के एकदम रेडी हो चुका है, अब बारी है इसके टेस्टिंग की। तो यहाँ पर इसके जो वायर है वो मैं लगा देता हूँ हमारे पावर में, तो और स्विच हमने ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं जो एलईडी है वो यहाँ पर ग्लो करने लगी है। अब इसका जो वोल्टेज है वो पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये दोनों इसके ये दोनों वायर हैं ये प्लस माइनस के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब इसका जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, चलिए अब इसमें कुछ हम चला के देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास एक एलईडी है, तो इस एलईडी को हम यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये वर्क करती है या नहीं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एलईडी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ग्लो कर रही है और जो हमारा चार्जर है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। दोस्तों अब हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर हमें एक बैटरी भी यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं कि बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी को ही यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इस चार्जर से ये बैटरी भी दोस्तों चार्ज हो जाएगी, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 6 वोल्ट की बैटरी को इससे चार्ज ना करें, क्योंकि चार्ज तो हो जाएगी लेकिन काफ़ी फास्ट चार्ज होगी, तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा देर चार्ज नहीं करना। तो अभी इसका जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेते हैं बैटरी का कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी दोस्तों इसमें 3 वोल्टेज आ रहा है इस बैटरी में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा चार्ज करके देख लेते हैं इस बैटरी को। तो मैं इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब इसकी जो यहाँ से पावर को बंद कर देते हैं और यहाँ पर इसकी जो पिन है वो निकाल देते हैं। तो कनेक्शन हमने सारे निकाल दिए हैं, इसका जो पावर है बैटरी का वो चेक करते हैं कि कितनी चार्ज हुई है 5 मिनट में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 5.65 वोल्ट यहाँ पर बता रही है, जो कि पहले 3 वोल्ट बता रहा था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट चार्जिंग हो रही है ये वाली जो बैटरी है। ऐसे ही दोस्तों आप 12 वोल्ट की बैटरी को भी काफ़ी अच्छे से चार्ज कर सकते हैं इस वाले ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो और ये वाली जो बैटरी है 6 वोल्ट की, आप इसे भी चार्ज कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो बैटरी है आप इसको ज़्यादा देर यहाँ पर चार्ज ना लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी कम एम्पियर की बैटरी होती है और वोल्टेज भी इसका कम है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा देर चार्ज ना लगाएं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।